आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय, वेलकम टू डाउटनेट। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बोला है कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस, ओके, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, v जो है v न्यू वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, m इज द मास एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, ये चीज दिया हुआ है तो पहले इसको एनालाइज, एंड दीज आर द ऑप्शंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। सो इस टर्म को एनालाइज करते हैं। तो इस टर्म के न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर जो है वो है एच स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास एक फोटोन की एनर्जी का वैल्यू क्या होता है? फोटोन के एनर्जी का जो वैल्यू होता है ई, उसका वैल्यू होता है एच इंटू फ्रिक्वेंसी, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इंटू फ्रिक्वेंसी, यानी कि ई इंटू न्यू जो है वो एक एनर्जी का इक्वेशन है, यानी कि इसका जो यूनिट होगा वो जूल होगा। ठीक है, एंड एम सी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? एम इंटू सी स्क्वायर, ये भी एक एनर्जी का इक्वेशन है। ठीक है, रिलेटिविटी में मिलेगा आइंस्टीन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग, एम सी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो भी एक एनर्जी का इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका भी यूनिट जो होगा वो जूल होगा। तो एच न्यू का एनर्जी का, एच न्यू एनर्जी रिप्रेजेंट करता है जिसका यूनिट जूल, एम सी स्क्वायर भी एनर्जी रिप्रेजेंट करता है उसका भी एनर्जी जूल, यूनिट है उसका जूल। तो जो न्यूमरेटर वाला टर्म है उसमें क्या है? एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, यानी कि ये एनर्जी का स्क्वायर है। तो न्यूमरेटर में ऊपर जो है जूल का स्क्वायर दिया है, नीचे जो दिया है एम सी स्क्वायर, यानी कि ये जूल है तो जूल दिया है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा? केवल जूल। तो ये जो न्यूमरेटर वाला टर्म है इसका नेट अगर निकाला जाए ओवरऑल, तो ये कंडेंस्ड होके जूल पे बच जाता है, यानी कि इसका जो यूनिट होगा वो जूल होगा। ठीक, अब डिनोमिनेटर को कंसिडर करते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या दिया है? वन प्लस एच न्यू डिवाइडेड बाई एम सी स्क्वायर। ओके, ये एच न्यू क्या है? एनर्जी, एंड एम सी स्क्वायर क्या है? एनर्जी। तो हम लोग को क्या मिलेगा? वन प्लस जूल का यूनिट, एनर्जी का यूनिट जूल डिवाइडेड बाई जूल, ये कैंसिल, तो हम लोग को मिलेगा एक डायमेंशनलेस फॉर्मूला, डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिली, यानी कि डिनोमिनेटर जो है इसमें कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, सपोज कर लो कि ये जो टोटल टर्म है वो के है। ठीक, तो ये जो के का यूनिट होगा वो क्या होगा? के के यूनिट में जो ऊपर मिला हम लोग को उसमें क्या मिला? जूल, एनर्जी का यूनिट, एंड जो नीचे मिला वो एक नॉन डायमेंशन फॉर्मूला है, यानी कि डायमेंशनलेस यूनिट मिला। ठीक है, तो अगर डायमेंशन जूल डिवाइडेड बाय कोई भी डायमेंशनलेस यूनिट से डिवाइड करेंगे तो फाइनली हम लोग को मिलेगा जूल। तो फाइनली देखें तो के का जो यूनिट होगा, के जिसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट किए थे, एच न्यू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एच न्यू डिवाइडेड बाई एम सी स्क्वायर, इसका ओवरऑल जो यूनिट है वो है जूल, यानी कि एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वही इस टोटल टर्म का डायमेंशन होगा। तो एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एनर्जी को, एनर्जी का डायमेंशन निकाल लेते हैं सीधे, तो एनर्जी का जो लिखते हैं उसको लिख सकते हैं हम लोग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स को क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? के जी। मास का डायमेंशन फॉर्मूला एम। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू टी माइनस टू, ये एक्सेलरेशन का, ये मास का, एंड डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला वो होता है एल। तो ओवरऑल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, वो क्या हो गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, तो यही जो डायमेंशनल फॉर्मूला है जो एनर्जी का है वही जूल का होगा। ठीक है, यानी कि ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जूल के एनर्जी के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर, दैट इज विल बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो दिस इज द आंसर। ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।